नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। मैं तमन्ना एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया, और ये बिजनेस आइडिया आपको सच में बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकता है और आपको कम लागत के साथ कुछ ही महीनों के बाद अच्छा खासा इसमें पैसा भी आना शुरू हो सकता है, क्योंकि ये जुड़ा है बच्चों के साथ और साथ ही साथ बड़ों के साथ। तो चलिए, कौन सा ये बिजनेस ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकॉन का बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप किस तरह के वीडियोज और देखना चाहते हैं, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। तो आज का जो बिजनेस आइडिया है वो है खिलौनों का बिजनेस। हम सब जानते हैं कि बच्चों को खिलौनों से बड़ा प्यार होता है, और ऐसे में अगर आप खिलौनों का बिजनेस कहीं भी शुरू करते हैं वो चलता ही चलता है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको मद्देनजर रखना पड़ता है, तो उन्हीं पहलुओं पर आज बात करेंगे। देखिए वीडियो। सही स्थान का चुनाव करें। खिलौने के बिजनेस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है दुकान का सही जगह होना। यदि दुकान सही जगह हो तो सफलता और अधिक बढ़ जाती है। आप अपने बिजनेस की शुरुआत किसी पर्यटक स्थल, मुख्य मार्केट या कोई ऐसा स्थान जो काफी प्रसिद्ध हो आपके शहर, गांव या कस्बे में, क्योंकि ऐसी जगहों पर बच्चे और पेरेंट्स अधिक आते हैं। इस शॉप के लिए कम से कम 200 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए, यानी आपकी शॉप की जगह 200 वर्ग फीट हो तो सही है। यदि इससे अधिक जगह रखते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। याद रखें, इस बिजनेस के लिए अधिक स्टोरेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लास्टिक या सॉफ्ट टॉयज अधिक स्पेस लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और खिलौने के थोक विक्रेताओं का चयन करें। एक बार जब जगह का चयन हो गया तो इसके बाद बारी आती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और खिलौने के थोक विक्रेताओं के चयन करने की, क्योंकि यदि आपको अच्छा विश्वसनीय सप्लायर ना मिला या फिर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ना मिली जो विश्वसनीय के साथ साथ आपकी डिमांड के हिसाब से माल दे सके, तो आपके लिए टेंशन वाली बात हो सकती है। इसलिए एक बार जगह फाइनल होने के बाद थोक विक्रेता या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जानकारी जुटाएं और उनसे संपर्क करें। यदि आप किसी थोक विक्रेता और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से माल उठाते हैं तो आपको कम में अच्छा माल मिल सकता है। खिलौने का सही कलेक्शन रखें। महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता आप हर तरह के खिलौने का कलेक्शन अपने पास रखें। याद रखें, आप जिस जगह शॉप खोल रहे हैं उस एरिया के हिसाब से खिलौने अपनी शॉप, स्टॉल या फिर शोरूम में रखें। यदि हर तरह के इनकम करने वाले के लिए आप अपनी शॉप में खिलौने रखते हैं तो हर कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए और गिफ्ट में देने के लिए आपके वहाँ से खिलौने खरीदेगा। कौन कौन सा कलेक्शन रखें अपनी दुकान पर, यहाँ देखें लिस्ट। रिमोट वाली गाड़ी, सामान्य प्लास्टिक की गाड़ियाँ, बैटरी वाली और सामान्य वाली गुड़िया गुड्डा, सॉफ्ट टॉय, शिक्षा से संबंधित खिलौने, बच्चों के लिए वॉकर, बच्चों के लिए झूला, स्पोर्ट्स गेम, इंडोर और आउटडोर खिलौने, वीडियो गेम्स, किड्स लैपटॉप, बच्चों के लिए साइकिल, रिक्शा, कार आदि, उड़ने वाला और सामान्य प्लेन, प्लास्टिक खिलौने और ट्रेन आदि, इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने आदि। इस तरह के सभी आइटम्स आप अपनी शॉप पर रख सकते हैं, लेकिन याद रखें, आप जो भी सामान रखें उसे अपने एरिया के हिसाब से एक बार जरूर चेक कर लें कि क्या वो खिलौने आपके एरिया में बिक पाएंगे। आप इनमें से कुछ खिलौनों को तो अपने आप ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट टॉय आदि। किसी समारोह, इवेंट वाली जगह या उसके आसपास लगाएं स्टॉल। हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता रहता है, साथ ही किसी न किसी जगह कोई बड़ा इवेंट चल रहा होता है। गांव कस्बों की बात की जाए तो किसी न किसी जगह मेले और समारोह का कार्यक्रम चल ही रहा होता है। ऐसे में यदि आप इन जगहों पर खिलौने का स्टॉल लगा सकें तो ये आपके लिए बेहद अच्छा होगा। आप इसे एक्स्ट्रा इनकम की तरह भी बना सकते हैं। जब भी कहीं मेला समारोह हो तो आप ऐसी जगहों पर स्टॉल लगवा कर अपने कर्मचारियों को भेज सकते हैं या खुद जा सकते हैं। कितना निवेश होगा? इस बिजनेस की सबसे खासियत बात यह है कि आप बेहद कम लागत में से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को 30,000 से 50,000 तक शुरू किया जा सकता है। अगर आप बड़ी शॉप लेकर या शोरूम में इस बिजनेस को करते हैं तो 2 से 7 लाख रुपए तक निवेश करना पड़ सकता है। खिलौने के बिजनेस में प्रॉफिट। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 20 से 50% तक मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस की बेस्ट बात यह है कि माल कभी भी खराब होने का डर नहीं होता। दुकानदारों की माने तो 100 रुपए का आइटम 150 रुपए या फिर 200 रुपए में बेच सकते हैं, तो ऐसे में आप डबल मुनाफा कमा सकते हैं। खिलौने थोक में कहां से उठाएं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से या होलसेल विक्रेताओं से आप थोक में माल उठा सकते हैं। आप चाहें तो दिल्ली के सदर बाजार, चांदनी चौक आदि जगहों से माल होलसेल में उठा सकते हैं। याद रखें, अधिक लाभ उठाने के लिए आप लोगों को होलसेल मार्केट से माल उठाना अधिक फायदेमंद रहेगा। खिलौने के बिजनेस के लिए फ्रेंचाइजी लें। बहुत सारी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज
फ्रेंचाइजी देती हैं। आप चाहें तो इन कंपनियों से फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ हम आपको एक कंपनी के बारे में बता रहे हैं जो बिजनेस करने का मौका दे रही है। जी हाँ, ये कंपनी है खिलौने वाला। ये कंपनी लोगों को फ्रेंचाइजी देती है। आप फ्रेंचाइजी लेकर 3 से 5 लाख तक कमा सकते हैं। हम यहाँ आपको खिलौने वाले की वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ से आप फ्रेंचाइजी के लिए अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे आप कुछ ही लागत के साथ अच्छा खासा बिजनेस अपना चला सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए होगा, लेकिन हाँ, आपको इसके लिए कई सारे विकल्प भी हमने बता दिए। जैसे कि अगर आप स्टॉल्स लगाते हैं, या फिर फ्ली मार्केट्स होती हैं, या फिर मेलों में आप स्टॉल लगाते हैं, तो आपकी बिक्री होती ही होती है, क्योंकि बच्चों की जिद के आगे बड़े भी हार जाते हैं। तो चलिए, ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।